बहुत सारी मिठाई ऐसी होती है जो कंडेंस मिल्क को यूज करके बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, या आप ऐसा कह दें कि कंडेंस मिल्क की वजह से आप उसके टेस्ट को और बेहतर बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ घर पर बहुत इजीली तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें, पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए केवल 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर अमूल का फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसी के साथ में 100 ग्राम शुगर एंड 1 पिंच बेकिंग सोडा लिया है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसके अंदर हमने जो 1/2 लीटर मिल्क लिया था हम उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसे बॉइल करने के लिए रख देंगे। हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर रख रहे हैं इसलिए कंटिन्यूस चलाना जरूरी है, अदरवाइज मिल्क के नीचे स्टिक करने का भी डर रहेगा। मिल्क को बॉईल होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। अभी आप देखिए मिल्क बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है और अभी इस स्टेज पर जो हमने 100 ग्राम शुगर ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद आप ध्यान रखें कि कंटिन्यूस चलाते रहें, अगर आप कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे तो मिल्क के स्टिक करने का डर रहेगा और ऐसे में उसमें एक स्मेल आ जाएगी। मिल्क हमें तब तक पकाते रहना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर 1/2 ना रह जाए। आप देखिए इसका कलर हल्का सा येलो होने लग गया है। अभी आप देखिए मिल्क की क्वांटिटी लगभग आधी रह गई है। अभी इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने के साथ ही इसमें बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आ चुके हैं और ये काफी अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर नजर आने लगा है। इसका कलर भी हल्का येलो नजर आने लगा है। अगर आपने बेकिंग सोडा बहुत पहले ऐड कर दिया होता तो इसका कलर डार्क येलो कलर का बनता जो देखने में उतना सुंदर नहीं लग पाता। इसलिए ध्यान रखें कि मिल्क की क्वांटिटी 1/2 रिड्यूस होने के बाद ही आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करें। आप देखिए इसका टेक्सचर काफी क्रीमी नजर आने लगा है। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ये काफी थिक होता चला जा रहा है और ये देखने में काफी सुंदर और इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा दिखाई देने लग रहा है। अभी आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुका है और इसका कलर भी बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है। अभी इस स्टेज पर हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफी थिक हो जाएगा। हमारा कंडेंस मिल्क बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ये नेस्ले के मिल्क मेड या अमूल के मिठाई मेड किसी से भी आपको टेस्ट में कम नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे तो आप फ्रिज में 20 से 25 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको केक, मिठाई या किसी डेजर्ट को बनाने का मन हो आप अपने घर के बने कंडेंस मिल्क को यूज करें और अपनी डिश का लुत्फ उठाएं।